नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हम लोगों को पता होना आवश्यक है। तो यह इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए जो न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब की। तो न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स स्लैब अप्लीकेबल है उसमें बदलाव किए गए हैं। यहाँ 3 लाख रुपए तक की इनकम होने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा और 7 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा और 10 लाख रुपए से लेके 12 लाख तक की इनकम पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा और 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर 30% के रेट से इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए देना होगा। इसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ऐसे सैलरीड टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जो पिछले साल 50,000 रुपये का था, अब उसे बढ़ा के असेसमेंट ईयर 2025-2026 में 75,000 कर दिया गया है। तो यहाँ न्यू टैक्स रिजिम में सैलरी टैक्स पेयर को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद फैमिली पेंशन से जो डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वहाँ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलने वाला है वही मिलेगा, 75,000 का केवल न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलेगा। इसके साथ ही सेक्शन 80CCD के अंतर्गत NPS में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में मिलता है। यह अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है तो ऐसे में 14% तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और गवर्नमेंट नहीं है तो 10% तक का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस सेक्शन 80CCD में बदलाव किया गया है। अब जो सैलरी टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी है तो भी एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का 14% तक का डिडक्शन वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 80CCD 2 के अंतर्गत क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा सेक्शन 87A के अंतर्गत जो रिबेट मिलती है वो रिबेट 25,000 रुपये की ही मिलेगी, जो कि पिछले साल भी 25,000 की थी। असेसमेंट ईयर 2025-2026 में भी 25,000 की रिबेट सेक्शन 87A के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर्स को मिलेगी। तो ये कुछ बदलाव है जो असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में किए गए हैं, जिसका बेनिफिट केवल न्यू टैक्स रिजिम में अपना ITR फाइल करने वाले सैलरी टैक्स पेयर को मिलेगा। तो इतनी छोटी सी जानकारी जो इनकम टैक्स में बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।